ओके गाइस, सो इकोनॉमिक्स के हम लोग फोर्थ लेक्चर में एंटर कर रहे हैं आई बिलीव टुडे। एंड इसके पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या कवर किया, खाली उसका हेडिंग लिख लेते हैं। हम लोगों ने क्या कवर किया था, सबसे पहले इकोनॉमी का डेफिनेशन एंड इसका वाइटल प्रोसेसेस क्या था, वो आप लोगों को याद होना चाहिए इसका, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, स्केयरसिटी के बारे में। यस या नो, जल्दी से बताइएगा प्लीज। यस लोगों ने यस भैया, स्केयरसिटी के बारे में, इकोनॉमी का डेफिनेशन एंड वाइटल प्रोसेसेस के बारे में बात किया था, स्केयरसिटी के बारे में बात किया था। जस्ट अ सेकंड, हम लोगों ने इकोनॉमी का डेफिनेशन पढ़ा था, उसके बाद उसके वाइटल प्रोसेसेस पढ़े थे, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था स्केयरसिटी क्या होता है, एंड फिर हम लोग बोले थे कि जो हम लोगों का रिसोर्सेज होता है उसका क्या यूज होता है, हम लोगों का अल्टरनेटिव यूजेस, दिस विल गिव राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, अगर किसी चॉइस, बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो इन सारे को समराइज कर दिया था हम लोग एक हेडिंग के अंदर, और उसको हम लोगों ने क्या बोला था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में तीन रीजंस थे हमारे, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। इसके बाद क्या था, ठीक है, एंड लास्ट में रिसोर्सेज हैव व्हाट, अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो इकोनॉमी का डेफिनेशन एंड वाइटल प्रोसेसेस हमने समझ लिया, स्केयरसिटी हमने समझ लिया, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज के बारे में हमने समझ लिया, विच गिव्स राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, चॉइस, एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, फिर हमने ये पढ़ा था, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का डेफिनेशन पढ़ा था, याद है आप लोगों को, यस या नो, ठीक है। सब प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। दिस इज फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हम आपके घर आके नहीं पढ़ा सकते, हम आपको लाइव पढ़ा रहे, दैट इज द लीस्ट आई कैन डू इन दिस टाइम्स, सो इट्स योर एफर्ट, एंड इफ यू कैन नॉट गेट अप एट 9:30 टू डू अ क्लास, इट्स बेटर यू गाइस डोंट स्टडी देन, दैट्स परफेक्ट फॉर यू गाइस, पर आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है यहाँ पे। Academics is the most powerful tool that can help you reach somewhere in your life. ठीक है, आइए अब हम लोग economics पढ़ने वाले हैं, और हम लोग आज economics का सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, definition. And once we study the definition of economics, मेरे को response चाहिएगा class में। Once we study the definition of economics, हम economics के दो branches के बारे में पढ़ेंगे आज, and वो दो branches क्या है, micro and macro economics. Is this clear to everyone? मैंने क्या बोला यहाँ तक, ठीक है? हाँ भैया, सबसे पहले आप लोगों ने जो नोट्स लिखा है क्या पॉइंट वाइज लिखा है, कैसे लिखा है, अगर आप लोग मेरे को हेल्प कर सकते हो एक बार, क्या पॉइंट वाइज लिखा है या ऐसी बुलेट दे दे के लिखा है या पॉइंट नंबर दे के लिखा है, बुलेट दे के लिखा है, बुलेट से कंटिन्यू करता है, अगर किसी नंबर लिखा तो वैसे लिखा, तो हम पॉइंट बुलेट डाल रहे हैं। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम तक सबने लिखा था, फिर हम लोग ने एक सेल्फ नोट डाला था कि सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। एंड अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं डिस्कशन, रेडी है आप लोग, प्लीज आंसर करना जल्दी। हाँ भैया, लिखना, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, प्लीज लिखना अपना कॉपी के अंदर, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है, आप लोगों का एक तरह का सोशल साइंस है, विच स्टडीज द वे, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी, स्टडीज द वे इन विच अ सोसाइटी, इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने, इकोनॉमिक्स क्या है, हम लोगों का सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ क्यों रहे, इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए, यहाँ पे बोला है कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है द वे अ सोसाइटी चूजेस, याद है आप लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस,
देखो वर्ड को अंडरलाइन करो, वर्ड को फील करो, स्पेंड टाइम विद द डेफिनेशन. तोताराम की तरह खाली बोलने से लर्न नहीं होगा, स्पेंड टाइम विद द डेफिनेशन. हम लोग इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं? अपने इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए हम पढ़ रहे हैं मेरा भाई. तो ये जो इकोनॉमिक्स है हम लोगों का, ये हम लोगों का एक सोशल साइंस है जो क्या करता है, विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स क्या, यूज इट्स व्हाट, लिमिटेड रिसोर्सेस. रिसोर्सेस और इस रिसोर्सेस का क्या यूज है, विच हैव व्हाट, सोसाइटी है वो कैसे चूज करता है स्केर्स रिसोर्सेस को, जिसका क्या यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, क्यों चूज करना पड़ता है? तो ऑब्वियसली सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. डू यू एग्री विद दिस? सैटिस्फाई करने के लिए टू प्रोड्यूस व्हाट, गुड्स एंड ह्यूमन वांट. सैटिस्फाई कैसे होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके, राइट, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. एवरी क्लास के पहले कॉपी को रिवाइज कर करके आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है कि एक सोसाइटी क्या चूज करता है, क्या चीज को चूज करता है, टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसका क्या यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस. क्यों करता है ये, टू प्रोड्यूस व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज. और इस गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है. क्यों कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ताकि वो ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई कर सके. देखिएगा, आर यू गाइस गेटिंग द टोन, क्या समझाया मैंने? हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था इकोनॉमी. इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं, जो लोगों को एक जरिया देते हैं काम करने का, तो अर्न अ लिविंग. और इस इकोनॉमी के अंदर तीन प्रोसेस होते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. और प्रॉब्लम क्या है कि इस इकोनॉमी के सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनका वांट्स आर अनलिमिटेड, दे हैव नेवर एंडिंग वांट्स. और जो उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी. दिस इज द बेसिक रीजन दैट वी स्टडी इकोनॉमिक्स. स्केर्सिटी का मतलब क्या, जो लिमिटेशन है सप्लाई का, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड. तो बनाने का आपका कैपेबिलिटी वो कम है और जितना डिमांड है उससे, ठीक है. और प्लस जो रिसोर्सेज है उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस है, विच गिव राइज टू अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस. सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने सम अप किया था एक वर्ड के अंदर, उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने क्या रेफर किया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फिर हम लोग ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम का डेफिनेशन बताया था जो आप लर्न कर सकते हो घर पे. एंड फिर हमने बताया तीन रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. और इस पॉइंट के अंदर एक चीज और बोला था कि ह्यूमन वांट्स डिफर इन प्रायोरिटीज, मतलब हर वांट का आपका इक्वल डिजायर नहीं होता है. दूसरा पॉइंट, रिसोर्सेज आर स्केर्स. तीसरा पॉइंट, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ये होने के बाद हम लोगों ने बोला कि सारे प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स. एंड इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये सब एक ही सब्जेक्ट के हैं. फिर ये इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस होता है. इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है. लेट्स पे फुल अटेंशन इन द क्लास. इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है एक सोसाइटी कैसे चूज करता है, क्या चीज को चूज करता है, और लिमिटेड रिसोर्सेस को, क्या चीज को चूज करता है. लेट्स कॉन्सेंट्रेट, लिमिटेड रिसोर्सेस. तो इसका क्या यूज है, ऑल्टरनेटिव यूजेस. उससे क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. देखिएगा, ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक पूरा 100% क्लियर होना चाहिए था आप लोगों का. मेरा वेट चल रहा है आप लोगों को क्लैरिटी के. क्लियर नॉट क्लियर, जल्दी से बता दीजिएगा. हां भैया. श्योर? Can I proceed? हाँ भैया. फिर डेफिनेशन लिख लीजिए प्लीज. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडीज द वे जो हम लोगों का सोसाइटी को कैसे चूज करता है, क्या चीज को चूज करता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिसका ऑल्टरनेटिव यूजेज है, उसके बाद उस रिसोर्सेज से गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और लोगों में बांट देता है ताकि लोगों का वांट सेटिस्फाई हो सके. तो हेंस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग व्हाट. गेस करना चाहेगा कोई वर्ड, मेकिंग व्हाट, चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ.
कैसे? समझ में आया आप लोगों को? हाँ भैया. It studies the relationship between means का मतलब होता है resources. It studies the relationship between means मतलब जरिया. It studies the relationship between means. यहाँ पे हम लोगों का जरिया क्या है? Resources and ends. और हम लोगों का end क्या है ultimately? Human wants. Economics एक social science है जो study करता है कि एक society अपना limited resources को कैसे choose करता है goods and services बना के distribute करने के लिए लोगों के बीच में. तो economics क्या है? Choices करना जहाँ पे scarcity है. ठीक है, क्या study करता है? Relationship study करता है. Very very important word आ गया यहाँ पे. क्या चीज के बीच में? Means मतलब क्या? Resources. एंड एंड मतलब क्या? ह्यूमन वर्क्स. देखिएगा समझ में आया या नहीं आया. भैया हाँ, एक मार्क का अगर इकोनॉमिक्स का ये ओके. नाउ लिसन टू मी, आप मेरा स्टूडेंट है. ठीक है, मेरा स्टूडेंट बाकी लोग से अलग होने वाला है. अगर वो आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, अभी पूरा पैराग्राफ लिख के आएगा. मेरे लिए मार्क्स इररिलेवेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन मैंने क्या बोला. आप जो पढ़ के जा रहे हो ज्यादा लिखो, कम मत लिखो. क्योंकि कम लिखोगे स्कूल वाला टीचर बोलेगा ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा. लेट्स नॉट गिव देम दैट ऑप्शन, लेट्स राइट मोर. फिर क्या बोलेगा क्या नहीं लिखा? मार्क्स देना ही पड़ेगा. क्योंकि क्लास 11 में लोग क्या बोलते हैं, अब ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, ये कर दिया वो कर दिया, भाई पूरा लिख दे. अब क्या करेगा बता? जितना बुक के अंदर मैंने सारा लिख दिया. बेस्ट. I hope this is clear to everyone. मेरे को best approach यही लगता है class 11. ठीक है? हाँ भैया. I hope you are able to understand. यार एक तो था हम लोग पढ़ रहे हैं, concept समझ गया. गौतम, हम लोग को समझ आ गया economics क्या है. यार हम लोग का economy के अंदर जो resources है वो scarce है और उसका alternative use है. Obviously there is a problem of choice. पर जो हम लोगों का wants है वो unlimited है. इसी different aspects को study करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? Economics पढ़ते हैं. यही है मेरा भाई. Yes, exactly यही है. तो जो relationship है resources और wants के बीच में, this is economics. हम बोल पा रहे हैं, पर तेरा बोल पाना इज नॉट सफिशिएंट टू गिव यू एग्जाम मार्क्स बिकॉज सॉरी टू से आवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट प्रमोट दिस. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अगर हम चेक करता, हमको ये समझा पाता अपने वर्ड्स में, हम आपको मार्क्स दे देता, पर आपके स्कूल टीचर नहीं देंगे मार्क्स. लेट्स बी रियलिस्टिक हाउ टू गेट मार्क्स. ठीक है? ठीक है. आपको मैं एक आज लेसन दे रहा है, अर्ली मॉर्निंग संडे लेसन. दो चीजें होते हैं, या तो यू फाइट विद द सिस्टम और यू फाइंड वेज टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. मैंने फाइट किया दो तीन साल, मेरा बहुत बदनामी हो, नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड उनके तरीके से उनको सैटिस्फाई करना बेसिकली, सो दैट दे कीप द माउथ शट बेसिकली. और कोई ऑप्शन नहीं. एंड दे आर सो एजुकेटेड मैन, 15 साल से पढ़ा रहे हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड कि बुक लैंग्वेजेस आर नॉट समथिंग दैट वी एनकरेज. मैंने अपने एक स्टूडेंट को क्लास 12 में पढ़ाया था, एक डेफिनेशन होता है, मैंने सिंपल वन लाइन में समझा दिया उसको. दूसरे बुक में है, पर बहुत रेप्यूटेटेड टीचर्स के स्कूल वाले ने ये आंसर काट दिया. बोला ये संदीप गर्ग के बुक के अंदर नहीं है, तो हम आपको मार्क्स नहीं देंगे. तो भाई अब ऐसे सिचुएशन में झगड़ा क्या करोगे? नहीं कर सकते ना, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. इससे बेटर है जो उनके तरीके उनको एक्सेप्ट कर लो ताकि मार्क्स मिल जाए. और उसके सिवा जो कंसेप्ट है आप उसके लिए मैं से ट्यूशन ले रहे हो, वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ. दैट इज वाई दिस इज अवर फोर्थ क्लास ऑफ लर्निंग. फोर्थ क्लास है लर्निंग का. स्कूल में शायद दो क्लास में चैप्टर हो जाएगा. क्लियर है आप लोगों को? बताइएगा प्लीज जल्दी से. जो क्या पढ़ते हैं, जो क्या चीज का स्टडी करता है, वो इस चीज का स्टडी करता है कि हम लोगों का सोसाइटी कैसे क्या करता है, चूज करता है. क्या चीज को चूज करता है? यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज को. इसका क्या यूजेस है? हम लोग यही लिख रहे हैं जस्ट टू कीप आवरसेल्फ सेफ. कुछ स्कूल टीचर्स आर रियली ग्रेट, दे अंडरस्टैंड आपने क्या कन्वे किया और आपको मार्क्स देते हैं. पर कुछ स्कूल टीचर्स आर एडमेंट एंड दे वांट कि जो बुक में एग्जैक्टली वो आई एम आल्सो फॉलोइंग अ बुक व्हाइल आई एम टीचिंग दिस. ठीक है,
कैन वी गो अहेड, चलेगा? समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? यार अब अपने को ना एक कंसेप्ट और समझना है भाई, कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये सोशल साइंस क्यों है? ठीक है, हम लोगों को समझ में आ गया ये सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे चूज करेगा, उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस इसको कैसे गुड्स एंड सर्विस, ये तो सब हम लोगों को समझ में आ गया। और ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट मींस एंड एंड्स, मींस मतलब रिसोर्सेज एंड एंड मतलब ह्यूमन वांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं सीए वाले करिकुलम को पढ़ाता हूँ तो वहां पे भी ये एमसीक्यूज में आता, तो वहां पे एमसीक्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन वाला। और सही भी है, तो अगर हमसे पूछे ना इकोनॉमिक्स क्या है, कुछ नहीं है भाई, रिसोर्सेस और ह्यूमन वांट्स के रिलेशनशिप का स्टडी, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस क्या है जिसका अल्टरनेटिव यूज है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को पढ़ाई करना इज आवर होल ऑब्जेक्टिव। तो रिसोर्सेज से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं एंड ह्यूमन वांट्स वाले लोग डिमांड करते हैं, तो डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप ही तो पढ़ना इकोनॉमिक्स है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। हां भैया, नहीं बोलेगा तो कैसे पढ़ाई होगा, जल्दी से बताना प्लीज यार। वाई सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस क्यों है? वाई इज एन इकोनॉमिक्स अ सोशल साइंस? वाई सोशल साइंस? यार हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया परफेक्टली, पर ये इकोनॉमिक्स सोशल साइंस क्यों है, हम ये पढ़ रहे हैं? क्या बोला, समझ में आया है? जल्दी से बताइएगा प्लीज। हाँ भैया। अब हम कुछ पूछ रहे हैं, ये जो टर्म साइंस है ये स्टैंड्स फॉर व्हाट? अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा बैच का ये आंसर कर सकता है, करना चाहिए, जो लोग हमसे ऑलरेडी अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं। बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक एंड जिसके पास पूरा एक लॉ है, प्रिंसिपल्स है, पूरा एक नॉलेज है, जिसके हिसाब से सब कुछ होता है, उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। टर्म साइंस स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ व्हाट? नॉलेज। नॉलेज। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ साइंस, इकोनॉमिक्स भी साइंस है, क्योंकि उसका भी तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और उनका नॉलेज बॉडी दो पार्ट्स पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ साइंस एज इट इज अ सिस्टमैटिक एंड व्हाट, जल्दी से बताएगा तो पढ़ाई होगा, सिस्टमैटिक एंड व्हाट? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। पर क्या हम लोगों ने ये बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, या हम लोगों ने क्या बोला इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस बोला हम लोगों ने? यस या नो, आंसर करना जल्दी से। हम लोगों ने ये नहीं बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, हमने क्या बोला इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। तो कोई भी चीज साइंस कब होगा, जब उनका सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर है, तो इकोनॉमिक्स साइंस है। पर हम लोगों ने साइंस नहीं बोला, हम लोगों ने क्या बोला सोशल साइंस बोला। बट इकोनॉमिक्स इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, तो ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये क्या है सोशल साइंस, सिंस इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? देयरफॉर It is known as, उसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Therefore, it is known as what? जल्दी से बता दीजिएगा please. Social science. तो economics को science क्यों बोलते हैं? क्योंकि it is a systematic and organized body of knowledge. Social science क्यों बोलते हैं? क्योंकि it deals with human beings. खत्म ना, simple रखो ना, इसको high five मत करो, ये exam में आने का scope कम है, cover कर रहे हैं, क्योंकि one mark के लिए भी कुछ पूछे तो आना चाहिए अपने को। तो economics science क्यों? क्योंकि it is systematic and organized body of knowledge है. Social science क्यों मेरा भाई? क्योंकि it deals with human beings. That is why economics is not a pure science. अगर आपसे एग्जाम में पूछे क्या इकोनॉमिक्स प्योर साइंस है, आपका आंसर फॉल्स। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज अ सोशल साइंस एज इट डील्स विद व्हाट ह्यूमन बींग्स, एज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट ह्यूमन बींग्स। तो ये क्योंकि सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके लिए साइंस है, एंड क्योंकि ये डील करता है विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसके लिए इसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, इट इज नॉट अ प्योर साइंस।
हम लोगों ने आज इकोनॉमिक्स क्या होता है ये पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है कि एक सोसाइटी अपना लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे चूज करता है जिसको अल्टरनेटिव यूजेस है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस और लोगों में बांटने के लिए ताकि उनका वांट सेटिस्फाई हो जाए। बट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द मींस एंड द एंड्स, मींस एंड एंड्स, मींस एंड एंड्स, मींस इज रिसोर्सेज, एंड्स इज ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक सोशल साइंस क्यों, क्योंकि इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो ह्यूमन बींग्स को स्टडी करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सोशल साइंस। अगर आपको यहाँ तक नहीं आया तो इट्स योर फॉल्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड प्रॉपर हाफ एन आवर एक्सप्लेनेशन, प्लीज बताइएगा। आ गया भैया, आ गया सबको 100%? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, यहाँ तक कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, देख लीजिए आपने लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया भैया। एक सेकंड वेट कर रहे हैं, सो दैट इफ एनीवन इज लेफ्ट दे कैन, डोंट कीप क्लिकिंग स्क्रीनशॉट्स, बाद में हम तो नोट्स नहीं देने वाले अलग से, आई एम मेकिंग यू राइट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। अभी तो लोग बिस्तर पे लेट के क्लास कर रहा होगा, कोई मतलब नहीं है क्लास को सीरियसली लेने का, फिर एग्जाम आएगा 10 दिन पहले, बस आप गौतम सब पढ़ा दो हम लोग को, हम कुछ नहीं पढ़ाएगा इस बार, आई एम ऑलरेडी टीचिंग यू गाइस। हो जाएगा तो बताना प्लीज, एक एक चीज लर्न करवा रहे क्लास के अंदर, दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर दैट इज गोइंग ऑन। पहले क्लास में हम लोग ने खाली इकोनॉमी के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है, फिर तीसरा क्लास में उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समराइज करके पूरा पढ़ा, और आज उस प्रॉब्लम के पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, बस डेफिनेशन में आया कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। क्यों है सोशल साइंस, क्योंकि साइंस होता है क्योंकि इट्स अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, पर क्योंकि ह्यूमन बींग्स को डील कर रहे हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सोशल साइंस। हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ा है, आपको आना चाहिए यहाँ पर प्योर फॉर्म में एकदम अच्छे से, नहीं आता देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो। प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा। आ गया भैया, आ गया भैया, आ भैया, ठीक है, क्लियर, वापस समझाया, समझ में आ चुका है पूरा का पूरा, यहाँ तक जल्दी से बता दो। Can I proceed? हम आगे बढ़ सकते हैं फिर आप लोगों के साथ? इस इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस हो गए हमारे, अगर आप हमें इसके साथ हेल्प कर सकते, क्लास में एकदम ध्यान देगा, कोई भी एग्जाम में जाके अंडर परफॉर्म नहीं करेगा। यू गाइस डोंट नो द वैल्यू ऑफ स्कोरिंग मार्क्स इन क्लास 11, क्योंकि कुछ लोग बोल दिया कि 11 इजी है मत पढ़ कुछ नहीं होगा, उनका मत सुनो, उन्हीं के साथ अभी खराब होने वाला है, क्योंकि उनका क्लास 11 का मार्क्स क्लास 12 का बोर्ड्स के लिए कंप्यूट किया जा रहा है, यू नेवर नो आपके साथ क्या हो जाए। इकोनॉमिक्स इज टू ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, then we start the discussion। अभी आप कॉपी में कुछ नहीं लिखेगा, अब वेट करेगा और हमको पहले पूरा समझाने देगा। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, किस वर्ड से डिराइव्ड है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, हम अगर मैं अपना क्लासेस का डिमांड स्टडी कर रहा हूँ, मैं आप लोग सबसे पूछ रहा हूँ कि आपको मेरा इकोनॉमिक्स क्लासेस कैसे लग रहा है, ठीक है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, देन आई एम आस्किंग एट एन ओवरऑल लेवल, ठीक है। पर जब मैं पर्सनली एक एक को फोन करके पूछूंगा हाउ डू यू फील अबाउट द क्लासेस, आर यू कंफर्टेबल, आर यू गेटिंग यूज्ड टू माय स्टाइल ऑफ टीचिंग, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो लेवल डिस्कशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है। हाँ भैया, दो वर्ड्स है वहां पे, दो वर्ड्स है, आराम आराम से समझना है अपने को, एक वर्ड है माइक्रो और एक वर्ड क्या है मैक्रो। जब हम लोग कुछ स्मॉलर यूनिट का डिस्कशन करते हैं, मान लो मैं असम में रहता हूँ, अगर हम असम के यूनिट्स का, असम के इंडस्ट्रीज का डिस्कशन करेंगे खाली इन कंपैरिजन टू सारे इंडिया का इंडस्ट्रीज, तो असम का इंडस्ट्रीज माइक्रो, इंडिया का पूरा इंडस्ट्री विल बी व्हाट, मैक्रो। आई एम ट्राइंग टू स्टडी द डिमांड ऑफ माय क्लासेस इन असम, that can be macro, and if I'm trying to just study in one locality of Guwahati, that can be what, micro। ek micro ya macro to depend karta hai aapka study kya cheez ke upar hai। I hope this is clear to everyone। and ye jo microeconomics hai, it uses a tool of demand and
सप्लाई, क्या चीज का टूल यूज करता है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। ये दोनों टूल माइक्रो यूज करता है टू स्टडी व्हाट? इकोनॉमिक्स, स्टडी द इकोनॉमी। यस या नो? यस भैया। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर होगा और प्रोड्यूसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, दिस स्टडी इज डन एट एन इंडिविजुअल लेवल। अगर मैं खाली ये स्टडी कर रहा हूं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मैं ऑल कमोडिटीज, जितने भी कमोडिटीज दुनिया में मैं उनका स्टडी कर रहा हूं, तो इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो। माइक्रो स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो। माइक्रो। हम अपना क्लास का डिमांड कुछ 10 लोगों के बीच में स्टडी करना चाह रहे हैं। माइक्रो। आई वांट टू स्टडी माय डिमांड इन 100 स्टूडेंट के बैच के अंदर, देन इट इज कॉल्ड एज माइक्रो। द अंडरस्टैंडिंग इज कि आप कुछ चीजों को पढ़ाई कर कहां पे रहे हो, एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे हो या एक ओवरऑल लेवल पे पढ़ रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। तो जो मैक्रो है ये भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, विच मींस व्हाट? मैक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज। एंड इस माइक्रो का आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंडिविजुअल। एंड ये मैक्रो का ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। आपको सबसे पहले ये टोन सेट करना पड़ेगा। व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्टडी अ डिमांड ऑफ अ थिंग इन अ वेरी स्मॉल स्केल सोसाइटी एट अ वेरी इंडिविजुअल लेवल, उन चीजों को माइक्रो बोलते हैं। और हम जब उस सेम चीजों को एक लार्ज स्केल में पढ़ाई करने लग जाते हैं इन द ओवरऑल इकोनॉमी वाइज, उस चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने क्या बोला है जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज। इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अगर मैं ऐसा बोलूं कि गौतम देव इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यहाँ पे एक एक स्टूडेंट कैसा है, ही इज थिंकिंग एज एन माइक्रो ऑब्जेक्टिव, पर मैं ये बोल दूं यार मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता हर एक स्टूडेंट कैसा है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी कंसर्न विद माई बैच। मेरा बैच सुबह आके क्लास कर रहा है, आई एम सीइंग 57 स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं, 57 में से अगर 40 पढ़ रहे हो तो हमको पता है 17 सो रहा होगा ज्वाइन इन करके, आई डोंट केयर, 40 तो पढ़ रहे हैं ना। लेट अस थिंक अबाउट द बैच, लेट अस नॉट थिंक अबाउट द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर हम इंडिविजुअल के बारे में सोच ही नहीं सकते। आपको इंडिविजुअल के बारे में अपने आप में सोचना पड़ेगा, हम आपको ओवरऑल वाइज सोच सकते हैं आपका। और अगर हम वो चीज को सोच रहा है तो आई एम स्टडिंग द बिहेवियर एट एन इंडिविजुअल लेवल या एट एन एग्रीगेट लेवल, बताइएगा। मैक्रो का तो बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जब आप एक पूरा एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी कर रहा है उसको मैक्रो बोलते हैं। मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो पॉवर्टी के बारे में, क्या चीज के बारे में जल्दी से बताया मैंने क्या बोला? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अपना इनकम, अपना नेशनल इनकम कितना, नेशनल इनकम मतलब हम लोगों का कंट्री का टोटल इनकम कितना है, हम लोग कंट्री में टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, क्या पॉवर्टी चल रहा है, क्या सेक्स रेशियो चल रहा है हम लोगों का, क्या इलिटरेसी रेट चल रहा है हम लोगों का कंट्री के अंदर। अगर मैं इस बारे में स्टडी कर रहा हूँ, दिस स्टडी इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो मेरा भाई। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन मैंने क्या बोला है। ठीक है, भैया लोगों का इनकम के बारे में सोच रहा हूँ या कुछ लोगों का आउटपुट के बारे में सोच रहा हूँ या कुछ सामान का प्राइस के बारे में सोच रहा हूँ, ओवरऑल इकोनॉमी का प्राइस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड एज माइक्रो। आई होप नाउ इट इज ओके फॉर एवरीवन। क्या बोला मैं? भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका टूल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। क्या टूल है इसका? इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसका टूल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये थोड़ा बुक नॉलेज, अब मैं अपने जात पे आ रहा हूं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अब मैं अपने स्पीड पे हूं, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में कुछ भी बोल सकता हूं, आपको सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट 15 मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हम अपना बात कर रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस।
हम अगर प्रोड्यूसर है क्योंकि हम अपना क्लासेस सप्लाई कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू सप्लाई एट द हाइएस्ट प्राइस. सोच लीजिएगा एक बार, डू यू एग्री विद दिस? हम अपना क्लासेस जितना ज्यादा दाम में बेच सकते हैं उतना ज्यादा दाम में बेचना चाहेगा या नहीं चाहेगा, आप खुद सोच के देख लो भाई. एक डिमांड करता है क्योंकि आप लोग क्या है, कंज्यूमर. यू विल डिमांड एट द लोएस्ट प्राइस. हम तुमको बोला देखो भाई हम तो इतना घंटा पढ़ाते हैं, हम तो क्लास 11 में इकोनॉमिक 70-80 आवर्स पढ़ाएगा एकदम डिटेल में एक एक करके. मेरा फीस 25,000 होना चाहिए, बाकी लोग का फीस 10,000 है मार्केट के अंदर. क्या आप रेडी होगा क्या देने के लिए? हम 25,000 में बेचने के लिए रेडी होगा, हम तो अपना किडनी लंग सब बेचने के लिए रेडी हो जाएगा भाई कि तुम 25,000 में क्लास दे रहे. भाई तुम ही आओ, तुम भगवान, तुमको फूल माला पहनाएगा हर दिन आके, तुम भगवान. हम इस दाम में बेचने के लिए रेडी होगा, पर क्या तुम इस दाम में खरीदने के लिए रेडी होगा क्या, बताइए? बिकॉज यू विल डिमांड एट द व्हाट? सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है एट द हाईएस्ट प्राइस. डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर. एंड दे वांट द डिमांड टू बी एट द लोएस्ट प्राइस. ठीक है, जब मैं ये सप्लाई और डिमांड का स्टडी इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा हूँ, पूरे इकोनॉमी का स्टडी नहीं कर रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टडी ऑफ व्हाट? माइक्रो. तो सुनिएगा, जो डिमांड है ये कौन करता है? कंज्यूमर. कंज्यूमर डिमांड क्यों करता है? क्योंकि उनका वॉन्ट है. Do you agree with this part? सोच के देख लो एक बार. कंज्यूमर डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि उनका वॉन्ट है. अरे अगर आपको कोई चीज चाहिए ही नहीं तो क्या आप उसका डिमांड करेगा? अभी आप क्लास 11 में, हम आपको बोले आप सीए का पढ़ाई कर लो, क्या आप करेगा क्या? हमको एक बात बताओ जल्दी. नहीं भैया, आपका वॉन्ट है क्या उस चीज का? अभी हम तुमको यहाँ बैठ के बोले हम तुमको आज क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, क्या आप ये करने के लिए रेडी होगा क्या? स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है. देयर इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन सूरत, बहुत 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 मेरे को बहुत पसंद है उनका कंसेप्ट. उन लोग जब क्लास 11 पढ़ाते हैं ना, उन लोग 11 के साथ 12 पढ़ाते हैं, ठीक है. मतलब उन लोग 11 में 12 को पढ़ाई शुरू कर देते हैं. अगर मैं ये चीज गुवाहाटी में करूंगा ना, मॉडल सुपर फेल होगा. तो तुम समझ रहे हो, सुपर सुपर फेल. क्योंकि यहाँ पे लोगों को खाली एक चीज से कंसर्न है, क्लास 11 और 11 में पहले नहीं पढ़ेंगे. लास्ट एग्जाम के 10 दिन पहले एकदम पढ़ाई का मूड में आ जाएगा, टीचर सब पढ़ाओ 10 दिन पहले. और टीचर नहीं पढ़ेगा तो टीचर खराब है, जो टीचर बेकार है क्योंकि उसने पढ़ाया नहीं 10 दिन पहले. तो आप लोगों के साथ ये मॉडल वर्क ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो कंज्यूमर मार्केट है वो अलग तरह का मार्केट है. तो अगर हम ऐसा क्लास सप्लाई भी करना चाहेगा कि हम 11 में ही 12 का पढ़ाई शुरू कर देगा, क्या आप उसका वांट करेगा क्या? सोच के देखो, क्या उसका डिमांड होने वाला है क्या मार्केट के अंदर? सोच के देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं. एकदम नहीं होगा, सुनो मालिक, नहीं होगा भैया. अब वी आर लॉन्चिंग एन इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, जहां पे हम 11 में ही 12 पढ़ाएंगे आपको. विल यू बी रेडी टू एक्सेप्ट इट? आई डोंट थिंक यू विल बी रेडी टू एक्सेप्ट इट. समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज बताओ जल्दी से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अगर लोगों को चाहिए ही नहीं तो क्या उस चीज का डिमांड होने वाला है क्या? सोच के नहीं होगा. पर क्या हम एज अ सप्लाई करना चाहेगा क्या एज अ प्रोड्यूसर? ये सोच के नहीं भैया, हम एकदम करना चाहेंगे, हम एकदम करना चाहेंगे. हम तो करना चाहेगा, हम तो बेचने के लिए रेडी है, पर लोग खरीदने के लिए रेडी नहीं है. कौन सा मार्केट के अंदर? आसाम का मार्केट के अंदर, ठीक है. अगर हम ये सेम मॉडल सूरत में निकाले तो लोग ले लेगा, ले लेगा, वहां का मार्केट में स्टडी कर रहे हैं. तो हम अभी किस मार्केट को स्टडी कर रहे हैं? पूरा कोचिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये सारा स्टूडेंट्स को इंडिया का स्टडी नहीं कर रहे. हम खाली अपना कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट जो गुवाहाटी में, उनका बात कर रहे हैं. ओनली टॉकिंग ऑफ असम, तो हम आई एम टॉकिंग एट माइक्रो लेवल. आई एम टॉकिंग एट व्हाट लेवल? आई एम टॉकिंग एट व्हाट लेवल? माइक्रो. माइक्रो डिमांड करता है, जो कंज्यूमर डिमांड करता है. डिमांड क्यों करते हैं? वॉन्ट है. आपको अभी क्या चीज का वॉन्ट है? क्लास 11 का क्लासेस, ठीक है. हाँ या ना? आप बोलेगा नहीं तो पढ़ाई नहीं होगा आपको. हाँ भैया, मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? क्लास 11 का क्लासेस. और अभी आप बैठ के देख रहे हो. अब तक एक बात बताओ, सबने इवैल्यूएट कर लिया होगा ना, मन में सोचा होगा गौतम ने कैसा पढ़ाता, अच्छा पढ़ाता, खराब पढ़ाता, कुछ तो सोचा होगा. प्लीज मत बोलना कुछ नहीं सोचा. सोचा होगा, सोच ही लिया होगा किसका जात है या नहीं है, इसका जात है, ऐसा कुछ कुछ डिसाइड कर लिया होगा मन के अंदर ऑलरेडी. यस या नो? ठीक है, मैं आपसे इको का फीस 8,000 लेता हूँ. जो लोग मेरे से अकाउंट्स और मैथ्स नहीं लेते हमारे इंस्टीट्यूट में, तो उनका अकाउंट्स इको का फीस 8,000. अगर 8,000 में आपको मेरा क्लास वर्थ इट लगता है, तो आप बोलोगे पैसा वसूल.
यस या नो, सोच के देखो भैया। हाँ भैया, मैं आपको इतने घंटे पढ़ा रहा हूँ, आप पता है घर में क्या बोलोगे यार? ठीक है मेरा मार्क्स कम आया, पर गौतम भैया ने हमसे 8000 लिया और उतना नंबर ऑफ क्लासेस दिया विच वॉज वर्थ द प्राइस। हम लोग ये बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीक्षा, आपको आइसक्रीम पसंद है? दीक्षा आपको आइसक्रीम पसंद है? दीक्षा म्यूट में चला गया अचानक से आइसक्रीम का नाम सुन के। ठीक है सॉरी आई कैन नॉट ऑफर यू आइसक्रीम राइट नाउ, पर आपको आइसक्रीम पसंद है। इसका दीक्षा आपको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है? दीक्षा का क्या आया है? वांट। दीक्षा आप तुरंत क्लास के बीच में क्लास को रोक के जा रहे हैं कौन से साइड पे? स्विगी। एंड क्या ऑर्डर करने वाला है? आइसक्रीम। तो उसने आइसक्रीम का क्या क्रिया है? डिमांड। यस या नो? अभी हम खाली किसको स्टडी कर रहे हैं? दीक्षा को। ठीक है यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है दीक्षा ने डिमांड किया और इस आइसक्रीम को खाया। ठीक है और इस आइसक्रीम का दाम था 70 रुपए। पता नहीं कितना लोग ये चीज एग्री करता है कि वो आइसक्रीम खाया और अगर उसको बहुत बढ़िया लगा तो ये बोलेगा यार 70 रुपया दे के ये आइसक्रीम पूरा वर्थ है, वर्थ द मनी। और 70 रुपया खाया, आइसक्रीम ठीक था यार, ये 10-15 रुपया वाला आइसक्रीम ही बेटर है, 70 रुपया वाला मजा नहीं आया, ये भी हो सकता है। पर अगर दीक्षा कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, ये 70 रुपया दे के उसको आइसक्रीम से पूरा मजा आया है, देन दीक्षा इज एट इक्विलिब्रियम। उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब? 70 रुपया दे के दीक्षा को 70 रुपया जितना मजा आएगा। ठीक है चलिए थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है यहाँ पे किसको शॉपिंग करना पसंद है? थोड़ा सा लेट्स ट्राई टू मेक इट थोड़ा सा क्लास इंटरैक्टिव, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा हेवी है। किसी को शॉपिंग पसंद है यहाँ पे? हाँ भैया। बहुत लोग हाँ बोले हैं फाइनली। ठीक है तो दिशा इज देयर इन द क्लास, उसको क्या पसंद है? शॉपिंग। ठीक है तो दिशा लव्स टू शॉप, दिशा गया शॉपिंग करने के लिए। ठीक है एंड उसको मान लो एक ड्रेस पसंद आ गई, तो ड्रेस का ट्रायल किया उसको बहुत बढ़िया लग रहा था। ठीक है अब दिशा इज चिंदी लाइक मी, वो ड्रेस पहन के अपना मन में प्राइस टैग जरूर देखेगा, शायद हम जैसा लोग को देखता है, तो आई एम अज्यूमिंग कि दिशा भी प्राइस टैग देखेगा। वो प्राइस टैग में 3000 रुपया था, तो दिशा बोला इसका दाम 3000 रुपया है, पर ये ड्रेस 3000 जितना वर्थ इट नहीं है, तो क्या दिशा इस चीज को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? जल्दी से नहीं। दिशा ड्रेस पहना, दिशा ड्रेस पहना, तो दिशा ने प्राइस टैग देखा नहीं है। दिशा अपने दिमाग में चला रहा है यार हम इस ड्रेस के लिए 2000 रुपया तक तो दे देगा, 2000 रुपया तक का वर्थ इट है, पर अगर प्राइस टैग में भी 2000 ही निकला तो क्या दिशा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? बता दीजिए। खरीदेगा। दिशा इज एट वॉट? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है अब ये ड्रेस बनाता गौतम भैया, गौतम भैया ये ड्रेस बेचना चाहता था 2000 में, दिशा खरीदना भी कितना रुपया में चाहता था? 2000। दोनों पार्टी खुश है, तो प्रोड्यूसर भी क्या चीज में है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये जो स्टेज है ना ये कभी नहीं पहुंच सकता हम लोग रियल लाइफ के अंदर, सोच के देखो आप कभी भी खुश हो सकते हैं, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दे कोई ना कोई एक जन होगा या आप में से कुछ लोग ये तो ले ये गौतम में थोड़ा बेटर कर सकता हूँ, ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोप राइट। हम तुम लोग पढ़ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन हम फिर भी तो जात मार रहे हैं, ठीक है ना, हमको पता है सब लोग नहीं पढ़ रहे, काश सब लोग पढ़ लेता, ये तो हम मन से चाहते हैं, तुम चाहते गौतम में काश ऐसे पढ़ा देता। यू कैन नॉट बी 100% सैटिस्फाइड विद एनीवन, दैट इज व्हाई इन रियल लाइफ यू कैन नेवर बी एट व्हाट Equilibrium. पर हम लोग जब दिशा और मेरे बारे में पढ़ रहे हैं, we are talking about what level? Micro level. यहाँ पे हम पूरा इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे नहीं ला रहे, हम पूरा इकोनॉमी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, हम खाली दो लोगों का सेटिस्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। किसका? किसका? दिशा का और मेरा। एज अ प्रोड्यूसर एम आई सेटिस्फाइड? दिशा एज अ कंज्यूमर इट इज सेटिस्फाइड? दिशा विल बी सेटिस्फाइड जब उसको कम दाम में, हम तो ये मानते हैं कम दाम में सबसे ज्यादा मजा आए। यस सर। हाँ भैया। अरे प्रोड्यूसर पे कभी इक्विलिब्रियम नहीं होगा व्हेन ही इज एबल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मेरा तो मजा प्रॉफिट में ही है भाई, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है हाँ भैया। ये जो मैंने दिशा और मेरा स्टडी किया है, इस स्टडी में दो टूल यूज हो गया कहीं, एक डिमांड और एक क्या? सप्लाई। Since this was at micro level, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई एंड इस दोनों के सेटिस्फेक्शन के प्रोसेस में पता हम लोगों ने क्या डिटरमाइन कर लिया प्राइस डिटरमिनेशन इस स्टडी को हम लोग क्या स्टडी बोलते हैं माइक्रो थोड़ा सा आइडिया लगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ऑब्वियसली आपका पूरा करिकुलम इसके ऊपर हाँ भैया ठीक है अब मेरा बात ध्यान से सुन यू नो वर्ल्ड वॉर टू हुआ था हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे डोंट वरी तो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर एक बहुत बड़ा कंसर्न था और पता है बहुत बड़ा कंसर्न क्या था डिमांड हर चीज का कम था चलिए आपको ये अच्छा नहीं लगेगा लेट्स टॉक अबाउट आवर कोविड सिनेरियो सबसे बेस्ट सिनेरियो है एंड ये रियल लाइफ बात कर रहा हूँ कोविड के टाइम पे लोग ज्यादा खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं आप सोच के एक बार आंसर कर दीजिए कम देयर इज अ फॉल इन द डिमांड लेट अस स्टडी द कार इंडस्ट्री मतलब हम पूरा इकोनॉमी के अंदर सारा कार का कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं मेरा भाई आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर कार इंडस्ट्री इज दिस क्लियर टू एवरीवन ठीक है अब सुनो कोविड के टाइम पे लोग ज्यादा गाड़ी खरीदेगा या कम ज्यादा जनरल का बात कर आप अपना बात मत करो हम पूरा इकोनॉमी का बात कर रहे हैं जनरल डिमांड क्या हो गया है गिर गया है हाँ पर आपको एक बात समझना पड़ेगा कि डिमांड गिरा ठीक है क्यों गिरा क्योंकि कोविड था कार इंडस्ट्री इफेक्ट हुआ क्या आप यहाँ तक मेरा बात से एग्री कर सकते हैं हाँ भैया पर प्रॉब्लम पता है क्या है सप्लाई बढ़ा हुआ थी ये नहीं समझा भाई आप बात समझो कार जब नेक्स्ट ईयर बेचना है तो उसका प्रोडक्शन इस साल हो आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड दिस ऑर नॉट मतलब अब इस साल नेक्स्ट ईयर का डिमांड को फोरकास्ट करते हुए इसी साल कार प्रोड्यूस कर लेगा कार कोई छोटा मोटा आइटम नहीं कि दो दिन में बन जाएगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंस्ट्रक्ट अ कार टू बिल्ड अ कार इन द फैक्ट्री समझा हम क्या बोलना चाह रहे हैं तो इस कार का प्रोडक्शन कब शुरू हुआ होगा लास्ट ईयर ऐसे बोलते प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड प्री कोविड ठीक है अपने लिए ठीक है फिर अचानक से कोविड आया कंट्री वेंट टू लॉकडाउन तो ऑटोमेटिकली डिमांड गिर गया और हम लोगों का क्या बढ़ा हुआ रह गया सप्लाई बढ़ा हुआ मतलब हम लोगों का डिमांड और सप्लाई अगर बराबर होता तब तो आप इक्विलिब्रियम में होता कौन इक्विलिब्रियम में होता पूरा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होता समझ में आया मैंने क्या बोला है जल्दी से पर अभी ऐसा नहीं है अभी क्या होके रखा हुआ है कि लोग कार को खरीदना नहीं चाहते लोग कार को खरीदना नहीं चाहते हैं तो कार का डिमांड क्या हुआ हुआ है ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे और उसका सप्लाई पहले से क्या हुआ हुआ था अब सबसे पहले पता है इस कार इंडस्ट्री के अंदर क्या होने वाला है कार का प्राइसेस गिरने वाला है प्राइसेस गिर के लोगों के लिए सस्ता करेगा ताकि लोग उसको खरीद ले Do you agree? अगर मेरा क्लासेस नहीं बिकता तो हम क्लासेस का दाम बढ़ाता या क्लासेस का दाम कम करता तुम सोच के देखो कम करेगा जैसे फॉर एग्जांपल इन क्लास 12 माय क्लासेस ऑफ अकाउंटेंसी आर द मोस्ट कॉस्टलीस्ट इन गुवाहाटी आपको ये वेलकम दिया आई टीच 16,500 इन क्लास 12 अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 16,500 पे क्लास 12 पे बाकी मार्केट रेट 11,000 है कुछ लोग 7,000 में पढ़ा रहे कुछ लोग 12,000 में पढ़ा रहे तो आप 16,500 क्यों ले रहे क्योंकि भाई हम 350 घंटा पढ़ाते हैं क्लास 12 के अंदर खाली अकाउंटेंसी विच इज नॉट इवन नियर बाय टू एनी पर्सन इन गुवाहाटी उसके लिए मेरा दाम ज्यादा है ठीक है क्या लोग खरीद रहे हैं हाँ खरीद रहे हैं तभी मेरा दाम ज्यादा है आई होप दिस इज एबल टू अंडरस्टैंड अगर मेरा डिमांड कम होता तो हम दाम ज्यादा करते हैं दाम गिराता सोच के देखो एक बार फील करके देखो मैं क्या आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन पर मेरा डिमांड है लोग मेरा क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं उसका प्राइसेस को बढ़ा के रखा हुआ पर यहाँ पे कार इंडस्ट्री में डिमांड कम है और सप्लाई क्या है ज्यादा है ठीक है तो प्राइसेस बढ़ा हुआ होगा या प्राइसेस गिरा हुआ होगा सोच के देख लीजिए तो पूरा कार इंडस्ट्री बोलेगा कि चलो हम लोगों ने आपके लिए कार सस्ता कर दिया अब तो आप खरीद लो पर लोग पता है मन में क्या सोच रहे और गिरेगा रुकता है ना
I don't know whether you guys can relate to me or not. ठीक है, हम घर पे बैठा हुआ है, वो लोग ऑफर पे ऑफर निकाल रहे हैं, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये डिस्काउंट मिलेगा, आप करने का थोड़ा और सस्ता करेगा, रुकते हैं, पता नहीं आप लोग एक बात से एग्री करेगा या नहीं करेगा। कार इंडस्ट्री वाला लोग है, उन लोग पता है क्या बोल रहे हैं, हमारा जात नहीं और कम करने का, इसके कम में भेजा तो हम लोग लॉस में चला जाए। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जब कार इंडस्ट्री वाला लोग कार बेच ही नहीं पा रहे, उन वर्कर को जॉब में रखने का कोई फायदा नहीं है, एंड पीपल विल स्टार्ट रिमूविंग पीपल फ्रॉम द जॉब। डू यू एग्री? किसी का अगर बहुत ही बड़ा फैक्ट्री है आपने से, जिनका प्रोडक्शन लॉकडाउन के कारण रुका हुआ, तो आप अपने वर्कर्स को धीरे धीरे करके निकाल रहे जॉब से, बिकॉज यू डोंट हैव अ चॉइस, बिकॉज यू डोंट हैव अ सप्लाई टू डू, आप वर्कर को रख के भी क्या करेगा, इकोनॉमी के अंदर क्या बढ़ने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट, आई डोंट नो व्हेदर यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, जल्दी से बताइएगा प्लीज। हां भैया सामान का गिरा पहले, पर इससे फायदा नहीं हुआ, अब तो भाई आप फालतू में और प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन बहुत बढ़ा हुआ है, आपका स्टॉक में बहुत गाड़ी पड़ा हुआ है, अब इकोनॉमी के अंदर क्या आने वाला है जल्दी से बता दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके कारण लोगों का इनकम और गिरेगा, सोच के देख लो एक बार, और लोगों का इनकम अगर और गिर गया तो लोगों का डिमांड और गिरेगा। अगर ये कंटिन्यूस, ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिसेशन, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, रिसेशन, और जब ये रिसेशन बढ़ते जाता है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, एंड तब सामान का दाम आसमान छू देता है, क्योंकि भाई अब लोग तो बेच ही नहीं पा रहे और लोगों के पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, देन द रिवर्स साइकिल स्टार्टेड आइज, एंड फिर लोगों की चीजों का दाम बढ़ने लग जाता है, इकोनॉमिक हर चीज महंगा होने लग जाता है इकोनॉमिक, एंड ये प्राइस बढ़ने का फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? इन्फ्लेशन। ये जो मैंने पूरा पार्ट आपको भी पढ़ाया, डोंट यू थिंक ये रियलिस्टिक लग रहा है आपको, थोड़ा सा आप इमेजिन कर पा रहे हैं, हाँ ये जो बोल रहे हैं ये होता है, आप सोच के देखो एक बार जल्दी से। हाँ भैया ये होता है कहीं ना कहीं रियल लाइफ के अंदर, बिकॉज ये मैक्रो है, ये माइक्रो नहीं है मेरा भाई, बिकॉज दिस हैपेंस इन द एंटायर इकोनॉमी एंड यू सी इट, पर एक इंडिविजुअल आदमी क्या सोच रहा है वो सोच पाना इज वेरी डिफिकल्ट यार, पर सोच के देखो हम क्या बोलना चाहते हैं। हाँ भैया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्टिकुलर अपने सीनियर से पूछा गौतम वैसे क्लासेस लेना चाहिए नहीं लेना, उसने बोला लेना चाहिए, तो आपने एक माइक्रो ओपिनियन लिया है, आपने जनरल मार्केट को स्टडी नहीं किया कि जनरल मार्केट कहाँ जा रहा है क्लासेस लेने के लिए, दैट्स एन ओपिनियन राइट, इट्स अ माइक्रो स्टडी और अ मैक्रो स्टडी, क्या दोनों इंपॉर्टेंट है? यस दोनों इंपॉर्टेंट, आप एक चीज को नहीं कर सकते, आपको दोनों को देखना पड़ेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, जब हमसे कोई पूछता है कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं दो चीज करो, एक तो कॉलेज का वेबसाइट को स्टडी करो क्या है उसके अंदर, वो हो गया मैक्रो स्टडी पूरे कॉलेज के बारे में, फिर उनमें जो स्टूडेंट्स पढ़े उनसे एक एक से ओपिनियन लो, माइक्रो स्टडी। जब मैं अपना और दिशा का बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग एट माइक्रो लेवल, बट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, मैक्रो इज द स्टडी अबाउट द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट कि हर एक चीज का प्राइस क्या होना चाहिए, पर दिस इज अबाउट द प्राइस डिटर्मिनेशन, कि प्राइस क्या फिक्स करना चाहिए, ये माइक्रो में हेल्प करता है, पर मैक्रो हेल्प्स अस टू नो अबाउट द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द एंटायर इकोनॉमी। इससे डिटेल में तो पढ़ाना नहीं आता, प्लीज बता देना क्लियर है। यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील सॉर्टेड, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट यू? That is why we talk about कि economics को, economy को study करने के लिए जो subject use करते हैं हम लोग, economy का पढ़ाई के लिए, उसका पढ़ाई का क्या नाम है? Economics. Economics के दो branches है, क्या क्या? Macro and micro. माँ बाप जैसे हैं, जैसा like mom and dad, ठीक है? जब कोई बहुत बड़ा decision लेना होता है, you go to your dad. बाकी छोटा मोटा डिसीजन के लिए अपने माँ को बटरिंग कर लेते हो नॉर्मली, मैं तो यही करता हूँ, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। ठीक है, तो बाप तक जाने में फटता है, ठीक है, तो माँ पे सेटल हो जाए तो बात ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हां भैया, इकोनॉमिक्स के स्टडी को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के बिना ये इकोनॉमिक्स का पढ़ाई अधूरा है। सो एंड बोथ ऑफ दिस आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्लियर है सबको? हां भैया।
जब तक हमको पता ही नहीं होगा मेरा पूरा इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तब हम इंडिविजुअल के बारे में सोच के फायदा नहीं है। और जो इंडिविजुअल सोचता है वही पूरा इकोनॉमी सोचता है अल्टीमेटली। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन हियर। आज का क्लास में मेरा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक्स क्या होता है मैंने पूरा बताया, और आपको दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ाया, और उस दो ब्रांचेस का नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड आई गिव यू अ वेरी गुड इनसाइट एज टू व्हाट डज द करिकुलम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स लाइक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। We'll meet next on Tuesday, 2:30, and we're gonna write about micro and macro. अपन लिख लेंगे, revision हो जाएगा अपना micro macro, and फिर आगे बढ़ेंगे next topic के अंदर central problems of an economy. Central problems समझ लेंगे, फिर उसको next class लिख के last topic में enter करेंगे. ठीक है? Perfect for everyone. चलेगा समझ में आ गया सबको? Next Tuesday अपन मिल रहे हैं, micro economics and macro economics का difference लिख के आगे बढ़ने की. आपके कॉपी में नोट्स है, रीड करना शुरू करो। अगर संदीप गर्ग है तो मैंने जो जो पढ़ा है वो एक बार बुक से पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा कि मैंने कितने डिटेल में हर एक लाइन कवर की है। ऑलरेडी समवन हैज डन इट ब्रिलियंट जॉब, बाकी लोग को पता ही नहीं, अगर बुक कहाँ है तो प्लीज निकालना शुरू कीजिए। इट्स टाइम टू स्टार्ट स्टडी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप यू गाइस हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू योर संडे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। बाय बाय। बाय भैया। बाय भैया। थैंक यू।